राष्ट्रकवि रामधारी सिंह दिनकर द्वारा लिखित एक कविता है जो 9 वर्ष पे लिखा गया था कि ये 9 वर्ष हमें स्वीकार नहीं, क्योंकि इस सर्द के मौसम में लोग ठिठुरे सह में घरों में दुबके हुए हैं, तो ये कैसी 9 वर्ष। लेकिन फिर भी हम तो हिंदू हैं, हम तो हिंदुस्तानी हैं, हर देशवासियों का अलग अलग कंट्री का भी कोई भी पर्व होता है तो हम हर्षोल्लास के साथ मनाते हैं। फिर भी ये जो 4 पंक्तियाँ हैं हमारे राष्ट्रकवि रामधारी सिंह दिनकर द्वारा रचित, जो आप लोगों के सामने हम प्रस्तुत कर रहे हैं, अच्छा लगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, लाइक कमेंट कर ज़रूर बताइएगा कि कैसा रहा। आप हमें सुझाव भी दे सकते हैं। तो लीजिए, हम आपके सामने प्रस्तुत करते हैं। ये 9 वर्ष हमें स्वीकार नहीं है, अपना ये त्यौहार नहीं है, अपनी ये तो रीत नहीं है, अपना ये व्यवहार नहीं। धरा ठिठुरती है सर्दी से, आकाश में कोहरा गहरा है, बाग बाजारों की सरहद पर सर्द हवा का पहरा है। सुना है प्रकृति का आंगन कुछ रंग नहीं उमंग नहीं, हर कोई घर में दुबका हुआ, 9 वर्ष का ये कोई ढंग नहीं। चंद मास अभी इंतजार करो, निज मन में तनिक विचार करो। चंद मास अभी इंतजार करो, निज मन में तनिक विचार करो। नए साल नया कुछ हो तो सही, क्यों नकल में सारी अकल वही। उल्लास मंद है जनमन का, आई है अभी बाहर नहीं, ये 9 वर्ष हमें स्वीकार नहीं है, अपना ये त्यौहार नहीं। ये धुंध कुहासा छटने दो, रातों का राज्य सिमटने दो, प्रकृति का रूप निखरने दो, फागुन का रंग बिखरने दो। प्रकृति दुल्हन का रूप धार, जब स्नेह सुधा बरसाएगी, सस्य श्यामला धरती माता घर घर खुशहाली लाएगी। तब चैत्र शुक्ल की प्रथम तिथि, तब चैत्र शुक्ल की प्रथम तिथि 9 वर्ष मनाया जाएगा, आर्यावर्त की जय गान सुनाया जाएगा। युक्ति प्रमाण से स्वयं सिद्ध, 9 वर्ष हमारा हो प्रसिद्ध, आर्यों की कृति सदा सदा, 9 वर्ष चैत्र शुक्ल प्रतिपदा। अनमोल विरासत के धनिकों को चाहिए कोई उधार नहीं, ये 9 वर्ष हमें स्वीकार नहीं, ये 9 वर्ष हमें स्वीकार नहीं है, अपना ये त्यौहार नहीं है, अपना ये त्यौहार नहीं। ये जो कविता लिखी गई है, इसका कुछ उद्देश्य है। बहुत ही सोच समझकर हमारे राष्ट्रकवि दिनकर जी ने ये लिखा है, क्योंकि लोग सर्द में घर में ठिठुरे हुए हैं, दुबके हुए हैं। पूरा आप वातावरण देख सकते हैं, चारों तरफ कुहासा ही कुहासा है। एक दूसरे से न लोग मिल पा रहे हैं, न कोई खुशियां मना रहे हैं, न उसमें कोई रंग है, तो फिर ये कैसा 9 वर्ष। वही हम लोग का जब होली का दिन आता है तो रंग बिरंगे रंग गुलाल से लोग रंगीन हो जाते हैं, तरह तरह की पकवानें बनती हैं, एक दूसरे से लोग मिलते जुलते हैं, ढेर सारी बातें करते हैं, जितने भी पुराने शिकवा शिकायत होते हैं उसे भूलकर एक दूसरे से गले लगते हैं, मिठाइयाँ बांटते हैं। मौसम भी न सर्द रहता है न गर्मी रहता है, बहुत अच्छा मौसम रहता है, जिसमें लोग खुलकर मज़े लेते हैं और संदेश देते हैं एक दूसरे को कि जो भी भूली बिसरी करवाहट मन में हो वो सबको भूलते हुए एक दूसरे पे रंग उड़ेलते हुए बड़े ही हर्षोल्लास के साथ होली पर्व को मनाते हैं। लेकिन आज जो हम लोग 9 वर्ष मना रहे हैं, हैप्पी न्यू ईयर, इसमें तो कहीं कोई उल्लास दिख ही नहीं रहा। लेकिन फिर भी हम तो हिंदुस्तानी हैं, हर देश की जो परंपरा है, पर्व है, हम उसे भी मनाते हैं। और आप सभी तमाम भाई बंधु, माताएं बहनें, हमारे बिहार की हर संगठन की
बहनें खुशी खुशी पुरानी बातों को भूलते हुए नववर्ष मनाइए और आगे बढ़िए। इन्हीं के साथ आप लोगों को पुनः नववर्ष की हमारी ओर से ढेर सारी शुभकामनाएं एवं बधाइयां। थैंक यू।